Good morning class, this is our new ENA Physio class in which today we are going to start our new chapter, that is digestive system. देखिए respiratory system हमारा complete हो चुका है, almost सभी systems complete हो चुके हैं. अब कुछ एक तीन चार systems ही और अपने पास हैं, बाकी जो important systems थे हम लोग पूरे कर चुके हैं. तो अब जो सिस्टम आज हम कर रहे हैं वो डाइजेस्ट सिस्टम है. एलिमेंट्री ट्रैक्ट से बना हुआ हमारा डाइजेस्ट सिस्टम. डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है भाई? फूड का इंजेशन करता है, सीक्रीशन करता है, मिक्सिंग प्रोपल्शन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और डिफिकेशन करता है. ये सब फंक्शंस भी हैं, या आप कहिए ये सारा का सारा पूरा प्रोसेसिंग है जो स्टेप वाइज हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर चलता है. अब ये जब पॉइंट्स हम पढ़ें तो साथ में इस डायग्राम को आप देखते जाइए. जैसे सबसे पहले इंजेक्शन, हम इसमें फूड या कोई भी लिक्विड जो है वो अपने माउथ के अंदर लेते हैं. तो ये फूड डायग्राम बताया लिया गया. ये जब लिया जाएगा तो सीक्रीशन होगा. लगभग टोटल 7 लीटर ल्यूमेन के अंदर जो है सीक्रीशन चल रहा होता है, साइड में सीक्रीशन दिखाया गया है. थर्ड मिक्सिंग और प्रोपल्शन होगा, तो जीआई मसल के द्वारा और पैरास्टैटिक मूवमेंट के द्वारा और मोटिलिटी के थ्रू चीज़ें जो है वो मिक्स्ड होंगी और आगे की तरफ खिसकेंगी. फिर डाइजेशन, जिसमें जो आपने फूड इंजेस्ट किया था उसको तोड़ा जाता है मैकेनिकली भी और केमिकली भी. तो ये डाइजेशन इस डायग्राम में बताया गया है. डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा कि वो जो उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर चले जाएंगे, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. इस पैसेज को जो भी आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एलिमेंट ट्रैक्ट से ऊपर लिखा ना ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ल्यूमन है, ये इसकी दीवारें हैं, ये इंटेस्टाइन का फ्लूड है और ये ब्लड है. तो ये इंटेस्टाइन के फ्लूड से होते हुए कहाँ चला जाएगा? ब्लड में. फिर मेटाबॉलिज्म होगा ताकि सेलुलर एनर्जी हमें मिल सके, एटीपी मिल सके. और मोस्टली मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है? लीवर में और बॉडी के अदर सेल्स वगैरह में, सब में चलता है. फिर डिफिकेशन, कि जो जरूरी चीज़ें थी वो तो सब एब्जॉर्ब हो गई, जो वेस्ट सबस्टांसेस बच गया वो जीआई ट्रैक्ट में से बाहर निकल जाएगा एनस से होते हुए. तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है. इंजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और डिफिकेशन. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो दो मेन ग्रुप्स हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के. पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स. एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन्स. एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी कहते हैं. ये एक कंटिन्यू मतलब लगातार चलती हुई एक कॉइल्ड हॉलो ट्यूब है जो मुंह से लेकर एनस तक लगातार चल रही है. मुंह से लेकर एनस तक कंटिन्यू कॉइल्ड हॉलो खोखली ट्यूब है. कॉइल के बीच में इसकी कॉइलिंग हुई भी रहती है. और एसेसरी डाइजेसिव ऑर्गन्स में टीथ आते हैं, टंग आती है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास आते हैं. अब ये जो डाइजेस्ट सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो डायग्रामेटिकली आपको दिखाए गए हैं. भाई देखिए, माउथ से ओरल कैविटी से शुरू हो रहा है जिसमें टंग है, पैरोटिड सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है जिनको तीनों को अपन एक साथ मिलाकर के सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं. फिर ये आगे कंटिन्यू होता हुआ जो माउथ वाला ओरल कैविटी का पार्ट है वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे जाकर के ईसोफेगस, ईसोफेगस आगे कंटिन्यू होता हुआ स्टमक में खुलेगा जिसके पास में लीवर लोकेटेड है. स्टमक जो है आगे चलता हुआ कहाँ जा रहा है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लीवर के पास गॉल ब्लैडर दिखाई गई है, वहीं पास में पैनक्रियास दिखाई गई है, नीचे स्प्लीन बताई हुई है. स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो आगे जाती हुई लार्ज इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम. ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम. फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है जिसमें ट्रांसवर्स कोलन आएगा, डिसेंडिंग कोलन आएगा, असेंडिंग कोलन आएगा, सीकम होएगा, फिर सिग्मॉइड कोलन है. फिर ये पार्ट आगे जाता हुआ रेक्टम में, रेक्टम के पास अपेंडिक्स बताई गई और ये कहाँ फाइनली खुलेगा? एनल कैनाल से होता हुआ सीधा एनस में खुलेगा. तो ये पूरा लॉन्ग पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को इंडिकेट कर रहा है. दोनों डायग्राम में यही चीज़ बताई गई है.
अब एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये 7 ऑर्गन्स हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इनको डिस्क्रिप्शन इनका पढ़ते हैं। सबसे पहला माउथ, जिसको आप ओरल कैविटी भी कहते हो, इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि हमें पहले एनाटॉमी पढ़ रहे, देन अब उन सब चीज़ों के अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो पहले सभी ऑर्गन्स की यानी पार्ट्स की अपन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं आज वाली क्लास में। तो देखिए माउथ में क्या क्या पार्ट होते हैं। माउथ में लिप्स, चीक्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवला पार्ट है, जिसमें लिप्स को आप लेबिया कहते हैं। ये आपके मुंह की एंटीरियर ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, हर कोई चीज़ आपके अंदर नहीं घुस सकती, आपके मुंह के अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, लिप्स कर रहे हैं। आप उनको खोलेंगे और चीज़ अंदर लेंगे तो वो अंदर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। चीक्स लेटरल वॉल बना रहे हैं, गाल जो है लेटरल साइड है, लिप्स आगे की साइड है और गाल लेटरल साइड में है। फिर हार्ड पैलेट जो आपके ओरल कैविटी की छत बना रहा है, आगे की एंटीरियर रूफ बना रहा है। सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर रूफ बना रहा है भाई, हार्ड पैलेट एंटीरियर रूफ, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर रूफ। अव्यूला जो है वो एक सॉफ्ट पैलेट का फ्लैशी प्रोजेक्शन है, फ्लैशी रूप में, थोड़ा सा प्रोजेक्शन रूप में बाहर निकल रहा है। डायग्राम में देखिए, ऊपर वाले डायग्राम में आपको साफ दिखाया गया है, आगे तरफ हार्ड पैलेट है, पीछे तरफ सॉफ्ट पैलेट है और पीछे पिंक से कलर की स्ट्रक्चर के साथ में अव्यूला लगाया गया और आगे होठों को लेबिया कहा गया है। फिर नीचे वाले डायग्राम में थोड़ा और डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर बताई गई है। इसके अलावा ओरल कैविटी में वेस्टिब्यूली होती है, वेस्टिब्यूली ये स्पेस है लिप्स के बीच का, एक्सटर्नली उसको वेस्टिब्यूली, लिप्स और टीथ और गम्स जो इंटरनली, बाहर की तरफ लिप्स और अंदर तरफ टीथ और गम्स, इनके बीच के स्पेस को आप वेस्टिब्यूली कहते हैं, जो डायग्राम में देखो आपको दिखाई दे रहा है। लिप्स, टीथ और गम्स के बीच में स्पेस है ना, अंगुली डाल के देख सकते हो, अच्छा खासा स्पेस आपको दिखाई देगा, उसको आप क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूली। डायग्राम में दिख रहा है, अच्छे से देखिए। ओरल कैविटी वो एरिया है जिसमें दांत होते हैं, जीभ होती है, जीभ, टंग, ये हायोइड बोन्स है। डायग्राम में हायोइड बोन दिखाई गई है येलो कलर में, हायोइड बोन से जुड़ी हुई, हायोइड बोन और स्टाइलॉइड प्रोसेसेस से, स्कल के स्टाइलॉइड प्रोसेस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, लिंगुअल फर्नालम के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये टंग की स्ट्रक्चर, जो डायग्राम में आपको टंग भी दिखाई दे रही है, हायोइड बोन भी दिखाई दे रही है। टंग डॉर्सम, टंग में जो डॉर्सम है, डॉर्सम क्या है, ये टंग का अपर का पार्ट है जो कि पैपिलरी टेस्ट रिसेप्टर्स और बड्स से कवर रहता है, इसको अपन डॉर्सम कहते हैं। आप जीभ बाहर निकालिए तो उसके ऊपर आपको जो बाहर का पार्ट, जो जैसे आप जीभ को बाहर निकालें, जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है उसको आप डॉर्सम कहते हैं, जिसपे क्या होती हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स और बड्स या टेस्ट बड्स होती है, जिससे आपको स्वाद का पता चलता है। ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, ये जो पैपिली हैं, ये 3 तरह के होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली और सर्कम वैलिड पैपिली। इसके अलावा पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल पार्ट भी आपके मुंह में होता है। पिक्चर देखिए भाई, एपिग्लॉटिस दिखाया गया, एपिग्लॉटिस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले रेस्पिरेटरी में पढ़ा था। पैलेटोफेरेंजियल आर्क बताई गई है, पैलेटाइन टॉन्सिल बताए गए हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और पैलेटोग्लोसल आर्क, सल्कस टर्मिनालिस, सर्कम वैलेट पैपिला। अब ये जो पैपिला के नाम बोल, देखो सबसे पीछे जो है वो सर्कम वैलेट पैपिला है, उसके बाद आगे की तरफ उससे आगे है फिलीफॉर्म पैपिली और उसके बाद सबसे आगे फंगीफॉर्म पैपिली दिखाई दे रही है। ये पूरा पूरा क्या है, डॉर्सम, टंग का डॉर्सम पार्ट है जिस पर पैपिली बने हुए हैं। इसके अलावा मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 तरह की, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड फोसा के अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस ग्लैंड को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफर दिस ग्लैंड। कौन सी हैं वो स्ट्रक्चर, फेशियल नर्व, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और रिट्रो मैंडिबुलर वेन, ये 3 स्ट्रक्चर जो है इस ग्लैंड को ट्रांसफर करती हुई वहाँ पे पाई जाती है पैरोटिड फॉसा में। पैरोटिड डक्ट जो है वो अपर सेकेंड मोलर टूथ के पास में खुल रही है, ये ग्लैंड कम्प्लीटली सिरोस
नेचर की होती है। दूसरी स्ट्रक्चर है, दूसरी ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर ट्राइंगल में एकदम पीछे की तरफ पाई जा रही होती है। फेशियल आर्टरी और वेन इसको सप्लाई करती हैं। सब मैंडिबुलर डक्ट जो कि लिंगुअल नर्व को क्रॉस करती है, वो टंग के दोनों साइड में, टंग फर्नलम के दोनों साइड में खुल रही है। ये भी मोस्टली सिरॉस होती है, पर थोड़ी बहुत इसमें म्यूकस सीक्रेटिंग भी ये होती है सब मैंडिबुलर। लास्ट सब लिंगुअल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि ओरल म्यूकोसा के नीचे माउथ के फ्लोर में पाई जाती है। ये मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग्स है। ये जो ग्लैंड है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ये म्यूकस सीक्रेटिंग होती है। तो पैरोटिड सिरॉस नेचर की है, सब मैंडिबुलर मोस्टली सिरॉस है, थोड़ी बहुत ये पार्शली म्यूकस भी है, जबकि सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है। तो ये सब अपन सलाइवरी ग्लैंड के डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़े हैं डिटेल में, और डायग्राम में ये ग्लैंड्स आपको अच्छे से दिखाई गई हैं। हालांकि ये ग्लैंड मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जब ENT अपन ने पढ़ा थ्रॉट के अंदर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पढ़ाई थी। इसके बाद आप इन डायग्राम्स को थोड़ा सा बढ़ा करके देख लीजिए। ये देखिए सारी ग्लैंड्स अच्छे से बताई गई। देखो ये जो ब्राउन सी स्ट्रक्चर दिखाई गई है ना, ऐसी सर्कल सर्कल से बने हुए सारी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड के पास में पैरोटिक डक्ट ग्रीन कलर की बताई गई है, इससे जुड़ी हुई मैसेटर मसल बताई गई है, मैंडिबल की बॉडी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसकी बॉडी कट की हुई बॉडी, यहाँ पर सब मैंडिबुलर डक्ट वही ग्रीन कलर से डक्ट बताई गई है, और ये यहाँ नीचे की तरफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। पास में मायोहायोइड मसल बताई गई है, सब लिंगुअल ग्लैंड ऊपर की तरफ बताई गई है, टंग की फर्नलम बताई गई है, सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट देखो ऊपर की तरफ रेड पार्ट से बताई गई है, यहाँ टीथ और ये टंग है। इसी तरह से नीचे की स्ट्रक्चर में भी ये सारी की सारी जो अपन ने नाम लिए थे वही नाम इस स्ट्रक्चर के अंदर है, आप ये खुद से देख लीजिएगा। अब टीथ मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं ये फूड का, तो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ आपको पास के डायग्राम में सारे टीथ की स्ट्रक्चर बताई गई है, कैनाइन, मोलार, प्रीमोलार्स और इंसीजर। और बाहर इन्हीं को निकाल के कैनाइन कैसे दिखाई देते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखिए, मोलार कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रीमोलार कैसे दिख रहे हैं, इंसीजर्स कैसे दिख रहे हैं, सबकी स्ट्रक्चर बाहर निकाल के बताई गई है। क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड का। इंसीजर जो है वो कटिंग के काम आ रहे हैं, जो इंसीजर टीथ दिखाए गए हैं जो आगे की तरफ आपके ये जो चार टीथ होते हैं इनको आप इंसीजर्स कहते हैं। ये किसके काम आते हैं, कटिंग के, फूड को कट करने के। कैनाइंस स्टैबिंग और होल्डिंग के काम आ रहे होते हैं, ऊपर जो है कैनाइंस बताए गए हैं स्टैबिंग लेटरल साइड में, वो स्टैबिंग और होल्डिंग का काम करते हैं। पीछे की तरफ मोलार्स लार्ज सरफेस एरिया ग्राइंडिंग के लिए काम, फूड को पीसने के, पीछे के दांतों से चबाते हैं अपन मेनली फूड को, तो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो इंसीजर, कैनाइंस और मोलार। अब प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ 20 होते हैं और सेकेंडरी और परमानेंट टीथ जो है 32 हैं। जो इनिशियल बचपन में जो दांत है वो 20 और बाद में 32 दांत जनरली पाए जा रहे होते हैं। अब ये टीथ की स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, रूट कैनाल, जिंजिवल सल्कस। क्राउन टूथ का एक्सपोज्ड सरफेस है जो आपको दिखाई देता है, वाइट कलर का सरफेस जो आपको दिख रहा है वो बाहर की तरफ, वो क्राउन है। नेक रूट और क्राउन के बीच की बाउंड्री है। इनेमल आउटर सरफेस है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है आपकी बॉडी का क्योंकि इसके अंदर 95% कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है, इसलिए इनेमल सबसे, ये GK का क्वेश्चन है, सबसे हार्ड सरफेस क्या है या सबसे हार्ड स्ट्रक्चर सबस्टांस क्या है आपकी बॉडी का, इनेमल होता है। नेक्स्ट डेंटाइन, ये बोन लाइक स्ट्रक्चर है पर नॉन सेल्यूलर होती है, इसमें 70% कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है, 95% इनेमल में, 70% डेंटाइन में। पल्प कैविटी एक हॉलो कैविटी है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। रूट कैनाल, रूट की कैनाल लेंथ है।
रूट की पूरी कैनाल की लेंथ को रूट कैनाल ही अपन कह रहे हैं। जिंजिवल सल्कस जहाँ पर गम और टीथ आपस में मिल रहे हैं उसको जिंजिवल सल्कस कहते हैं। डायग्राम देख लीजिए भाई, ये सारी स्ट्रक्चर, ये क्राउन पार्ट पूरा पूरा जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उस क्राउन में सबसे बाहर ये इनेमल, इनेमल के अंदर डेंटाइन, उसके बाद पल्प कैविटी उसके अंदर की तरफ दिखाई गई है। क्राउन से नीचे नेक है जो कि क्राउन और रूट को आपस में जोड़ रहे हैं। रूट जो आपके अंदर दांत तो पूरा धंसा पड़ा है वो रूट से ही धंसा हुआ है। यही जो नेक वाला पार्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है, गम जिसको आप जिंजीवा कहते हैं, इनमें सूजन आ, इसको जिंजिवल स्वेलिंग कहते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाना जिंजिवल स्वेलिंग। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन इस दांत के बाहर, जड़ यानी रूट के बाहर जो है वो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन बताई गई है, उससे जुड़ी हुई बोन है और सीमेंटम मटेरियल है अंदर। ये ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही, ब्लड वेसल और नर्व जो आपके पल्प को सप्लाई कर रही है। अब माउथ के प्रोसेसेस देखिए, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मेन काम क्या है आपके मुंह का, फूड को चबाना, मैस्टिकेट करना, च्यूइंग करना। ये मैस्टिकेटेड फूड जो है इसके साथ में सलाइवा आकर के मिलता है जिससे कि आपके फूड का डाइजेशन काफ़ी इजी हो जाता है। और डाइजेशन इजी हो जाता है तो ये जो इजी डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको मैस्टिकेट करके उसमें सलाइवा मिला दिया गया है उस फूड को आप बोलस कहते हैं। मुंह में आपने फूड लिया, उसको अच्छे से चबाया, चबाने के दौरान ही उसके अंदर सलाइवा मिल गया, तो चबाने का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिस फूड के पार्ट को अपन अंदर निकलते हैं उसको अपन बोलस कहते हैं। सलाइवा में दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। टंग स्वेलोइंग को शुरू करती है, हेल्पफुल होती है और प्लस टेस्ट का सेंस भी आपको देती है। ये टंग के फूड का स्वाद कैसा है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, कैसा है, वो आपको टेस्ट आपकी टंग बताती है। तो ये माउथ कंप्लीट। अब एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के लेयर्स देखिए भाई, एक तो पहले आती है सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के जस्ट नीचे होते हैं, सबसे बाहर म्यूकोसा, म्यूकोसा के जस्ट नीचे सब म्यूकोसा। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक्स वगैरह पाए जाते हैं और सब म्यूकोसल प्लेक्सस पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग, लिम्फेटिक्स और सब म्यूकोसल प्लेक्सस। दूसरी सब म्यूकोसा के ऊपर जो लेयर है वो म्यूकोसा है, ये इनर मोस्ट लेयर है और एक मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है। इनर मोस्ट लेयर और मॉइस्ट मेम्ब्रेन है, इसमें सरफेस एपिथीलियम होती है, थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और स्मॉल स्मूथ मसल की लेयर होती है। सरफेस एपिथीलियम सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के काम आती है। हर 5 से 7 दिन में ये रिन्यू होती रहती है, मतलब नई बनती रहती है और इसमें एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती हैं। एंडोक्राइन सेल्स आपको पता है एंटीरो, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इसलिए एंटीरो वर्ड लिया गया है। इसके अलावा इसमें थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यूज जिसको आप लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिसमें माल्ट पाया जाता है। और तीसरा स्मॉल स्मूथ मसल की लेयर होती है। तो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स में, सब म्यूकोसा म्यूकोसा के अलावा मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा लेयर होती है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना स्मूथ मसल की बनी होती है, इसमें इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर की बनी होती है। अंदर की तरफ तो सर्कुलर लेयर है, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लेयर है मायंट्रिक प्लेक्सस के बीच में, इनके बीच में मायंट्रिक प्लेक्सस पाया जाता है। इनर और आउटर लेयर के बीच में मायंट्रिक प्लेक्सस पाया जाता है, ये मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है। दूसरी है सिरोसा, इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि विस्ट्रल पेरिटोनियम बनाती है और दूसरी सिरोस फ्लूड की लेयर होती है, ये इन सेल्स से प्रोड्यूस होता है। सिरोस फ्लूड जो है लेयर ऑफ सिरोस फ्लूड प्रोड्यूसिंग सेल्स, मतलब आउटर मोस्ट लेयर के अंदर कौन सी लेयर है, सिरोस फ्लूड प्रोड्यूस करने वाली सेल्स की लेयर पाई जाती है जिसको अपन मीजोथीलियम कहते हैं। स्ट्रक्चर याद करिए भाई, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एनाटॉमी में अपन नाम ही पढ़ते हैं कि कौन कौन सी लेयर है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस किस से बनी हुई, कैसी सेल्स हैं। जैसे हमने कहा इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर,
और दोनों के बीच में मायंट्रिक प्लेक्सस होता है, ये तो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना बनाती है। इसी तरह से सिरोसा में आउटर मोस्ट लेयर विसरल पेरिटोनियम है, और दूसरी इसके बाद सिरोस फ्लूइड प्रोड्यूस करने वाले सेल्स की लेयर जिसको अपन मीजोथीलियम कहते हैं वो पाई जाती है। अब ये सारी लेयर्स देख लीजिए भाई, विसरल पेरिटोनियम, अब ये पढ़िए अपन ने सारे नाम पढ़ लिए, सारे नाम पढ़ने बाद अब स्ट्रक्चर देखते जाइए। सबसे बाहर ये विसरल पेरिटोनियम, इसको हटा करके देखा गया है तो इंट्रेंसिक नर्व प्लेक्सस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें मायंट्रिक नर्व प्लेक्सस और सब म्यूकोसल नर्व प्लेक्सस है। ये येलो पार्ट से सब म्यूकोसल ग्लैंड दिखाई गई है, फिर ये लेयर में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा दिखाई गई है वाइट कलर में, उसके बाहर जो वाइट कलर की थिक लेयर है वो सब म्यूकोसा है। म्यूकोसा में सब सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रॉपरी और मसल लेयर, तीन लेयर्स होती है। फिर ये सब म्यूकोसा दिखाई गई है, देन मस्कुलरिस एक्सटर्नल दिखाई गई है, मस्कुलर एक्सटर्नल में वही लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, बड़ा करके देख लीजिए अच्छे से, और सर्क्यूलर मसल लेयर होती है। फिर ये सबसे बाहर सिरोसा जिसको आप विसरल पेरिटोनियम कह रहे हो, ऊपर भी अपन ने इसका नाम पढ़ा विसरल पेरिटोनियम, तो ये विसरल पेरिटोनियम जो वाइट कलर से, ऑफ वाइट कलर से दिखाई गई है। अंदर ल्यूमन है, उसके पास लिम्फ नोड बने हुए हैं इससे कनेक्टेड, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड है एलिमेंट्री कैनाल के बाहर, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ये म्यूकोसा की ग्लैंड से इसे जुड़ी हुई ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर में ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। ये नर्व आर्टरी वेन जो इसको सप्लाई करी है, मिसेंट्री बताई गई है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी देखिए भाई, टिश्यू के साथ स्टमक और इंटेस्टाइन के टिश्यू दिखाए गए हैं। नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अपन इनको, देखो सबसे बाहर सिरोसा की लेयर, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर, उसके अंदर सर्क्युलर मसल, देन सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलारिस म्यूकोसी, और सबसे बाहर म्यूकोसा। सिरोस की तो पतली सी लेयर बताई गई है, सिरोस के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है थोड़ी सी थिकनेस ली हुई है, जिसके यहाँ से मेसेंट्रिक प्लेक्सस निकलते हुए दिखाए गए हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में मेसेंट्रिक प्लेक्सस देखिए भाई, ये येलो कलर की स्ट्रक्चर इससे निकलते हुए दिखाई गई हैं। फिर सर्कुलर मसल बताई गई है, सर्कुलर मसल के अंदर सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर देखिए भाई लिम्फ वेसल है, सब म्यूकोसल आर्टरी है, वेन है, रेड ब्लू कलर से दिखाई गई, येलो कलर के सर्किल से आपको सब म्यूकोसल प्लेक्सस बताए गए हैं। अभी सब म्यूकोसा लेयर के बाद मस्क्यूलारिस म्यूकोसी है, एकदम पतली सी लेयर, मस्क्यूलर म्यूकोसी के बाहर थिक लेयर में म्यूकोसा है। म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस दिखाए गए हैं, चार पेयर्स पैचेस होते हैं ना इसमें, फिर ये क्रिप्ट बताई गई है, और बाहर के प्रोजेक्शंस विल्लाई के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटेस्टाइनल विल्लाई होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ऐसे अंगूली जैसे प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इलेबोरेट करके बताए गए तो क्रिप्ट ल्यूमन है, जो अभी अभी अपने यहाँ पर देखिए क्रिप्ट अंदर की तरफ धंसी हुई क्रिप्ट ल्यूमन, लैमिना प्रॉपरिया बताई गई, और ऊपर ये विल्लाई दिखाई गई है जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल्स से बनी हुई है, और गॉबलेट सेल्स उसके अंदर धंसी हुई है। एब्जॉर्प्टिव सेल में ब्रश बॉर्डर देखिए और माइक्रोविल्लाई देखिए ऊपर, ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविल्लाई, माइक्रोविल्लाई में ब्रश बॉर्डर होते हैं, खुद माइक्रोविल्लाई फिंगर जैसे, उसके ऊपर भी एकदम ब्रश के बॉर्डर जाके और ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाए और आराम से आपका फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। माउथ ख़त्म भाई, माउथ की अपन ने ओरल कैविटी वगैरह पढ़ ली, और थोड़ी बहुत अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, आपके इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह वाली स्ट्रक्चर्स भी देख ली। अब माउथ के आगे, माउथ कंटिन्यू होता हुआ किस में खुलता है, फेरिंग्स के अंदर खुलता है, तो फेरिंग्स की एनाटॉमी देख लेते हैं अपन। नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजियो फेरिंग्स, बहुत बार बता दिए मैंने ये नाम, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत बार बता दी। नेजो फेरिंग्स डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है भाई, तो नेजल का पार्ट है। ओरो फेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है, लैरिंजियो फेरिंग्स जो है ओरो फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस को कनेक्ट करती हुई स्ट्रक्चर है, डायग्राम में दिख रही है आपको। काम क्या करती है भाई फेरिंग्स, एयर और फूड को पैसेज वे देने का काम करती है, एयर और फूड के लिए पैसेज बनाती है। फूड को आगे धकेल दिया जाता है ईसोफेगस में फेरिंग्स की दो मसल लेयर के द्वारा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल इनर लेयर और दूसरी सर्क्यूलर आउटर लेयर। फूड मूव करता है
ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन से मसल लेयर्स में ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन चलता है जिससे फूड जो है आगे आगे मूव करता रहता है। इस ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन को आप पेरिस्टासिस कहते हैं या पेरिस्टाटिक मूवमेंट कहते हैं। तो फैरिंग्स का फंक्शन एयर और फूड के लिए पैसेज वे का काम कर रहा है, फूड को ईसोफेगस में धकेलने का काम करता है किसके द्वारा, ऑल्टरनेटिंग मसल लेयर के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जिसको आप पेरिस्टासिस कहते हो। फैरिंग्स के बाद आगे कंटिन्यू रन करती हुई स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है फैरिंग से स्टमक के बीच में, डायफ्राम के द्वारा ये रन कर रही है, 25 सेंटीमीटर साइज है इसका। ये फूड को पेरिस्टासिस के द्वारा आगे कंडक्ट करवाती है, इसमें धीरे धीरे रिदमिक स्क्वीजिंग ये दबा करके आगे बढ़ा रही होती है, यानी स्लो रिदमिक स्क्वीजिंग इसके अंदर चलती है, पेरिस्टासिस इस तरह से चलता है। सर्कुलर लेयर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है फूड के ऊपर की तरफ, तो फूड आगे खिसकता जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल बिलो द फूड, फूड में कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल के नीचे और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में फूड के ऊपर। सर्कुलर सेल्स सर्कुलर लेयर तो फूड के ऊपर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर फूड के नीचे कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है जिससे कि फूड के लिए पैसेज वे मिल जाता है। केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रांचेस जो होती है ऑफ होती है जब फैरिंग्स आफ्टर द फैरिंग्स फैरिंग्स के वर्क के बाद रेस्पिरेटरी तो बंद हो गई क्योंकि अब तो ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस आपके मुंह का पार्ट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फैरिंग्स में जब पेरिस्टासिस होता है तो फूड और एयर दोनों को आगे भेजता है, पर जो ईसोफेगस में पेरिस्टासिस हो रहा है वो केवल फूड को आगे भेज रहा है, एयर का पैसेज वे बंद हो चुका है। फिर ईसोफेगस लैरिंग्स के पोस्टर पार्ट में, लैरिंग्स और ट्रेकिया के पोस्टर पार्ट में नेक रीजन में होती है, अपर थोरेक्स में होती है, राइट साइड में डिसेंडिंग एओर्टा के अलोंग ये ट्रैवल करती रहती है, डायफ्राम के थ्रू पास होती है एंड कनेक्ट्स विद द स्टमक, स्टमक के साथ में कनेक्ट रहती है। इनको अपन इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स में पढ़ रहे होते हैं, दो लेयर्स इसके अंदर पाई जा रही होती है। अपर थर्ड जो है स्केलेटल मसल का, अपर थर्ड पार्ट तो स्केलेटल मसल का है यानी यह वॉल्यूंट्री है, जबकि मिडल थर्ड जो है वो मिक्स्ड पार्ट है और लोअर थर्ड जो है वो स्मूथ मसल का बना होता है। ईसोफेगस का अपर थर्ड पार्ट स्केलेटल मसल का, लोअर थर्ड पार्ट मिक्स स्मूथ मसल का, और मिडल पार्ट जो है मिक्स्ड है, उसमें स्मूथ और स्केलेटल दोनों मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री कंट्रोल उनके ऊपर रहता है, जबकि आपके स्मूथ मसल्स पर इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल देखा जाता है। ईसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन लगभग डायफ्राम के लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली पाया जा रहा होता है, ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे कि स्फिंक्टर लाइक इफेक्ट वहाँ पर दिखाई देते हैं, क्रिएट होते हैं। ये स्टमक के एसिड के रिफ्लक्स को रोकता है, स्टमक एसिड और स्टमक कंटेंट के रिफ्लक्स होके वापस उल्टा ना चले, ये जो ईसोफेगोगैस्ट्रिक का जंक्शन है। ये ईसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन जो है वो फंक्शनल होता है, नॉन एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स होते हैं ये। यहाँ स्ट्रक्चर्स में ईसोफेगस इंस्टीट्यूट ईसोफेगस दिखाया गया, भाई स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, डायग्राम खुद से देखिए, खुद से पढ़िए, खुद को समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए बस ये डायफ्राम देख लीजिए, लेटरल साइड में आपको डायफ्राम दिखाया गया ना, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रिफ्लक्स को रोकता है ईसोफेजल एसिड और ईसोफेगस के सॉरी गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लक्स को रोकने का काम ये डायफ्राम जो है वो कर रहा होता है। ये जंक्शन दिखाया गया है ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जंक्शन, देखिए यहाँ पर अपन इसको टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर लाइन के थ्रू अपन इसको बना रहे होते हैं कि ये जंक्शन है जो कि कंटेंट को अपोजिट डायरेक्शन में चलने से रोकता है, यानी रिफ्लक्स को रोकता है। तो इस डायग्राम को खुद से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ये ईसोफेगस के पेरिस्टासिस को बताया गया है, ये मसल्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये फूड का बॉलस है ग्रीन पार्ट में दिखाया गया है जो कि आगे मूव कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्टिंग पैसेज वे एंड पुशिंग बोलस डाउन, तो बोलस नीचे की तरफ क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे कि ये बोलस नीचे की तरफ पुश हो रहा है, ये मसल रिलैक्स हो रही हैं, पैसेज वे अलाउ कर रहा है आगे ओपन होने के लिए, स्टमक में चला जाएगा और ओपन हो जाएगा ऊपर। अब ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर जहाँ से फूड पास हो गया वहाँ तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जहाँ पर जा रहा है वहाँ की मसल रिलैक्स हो गई, फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया जब ये स्टमक में चला गया फूड, तो वापस पीछे की चीज़ें बंद हो गई और आगे वाली मसल्स रिलैक्स हो गई हैं। नाउ स्टमक की एनाटॉमी,
एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पर पाया जाता है, फूड कार्डियो इसोफेजल स्फिंक्टर पर फूड एंटर हो रहा होता है, ये वो साइट है जहाँ पर फूड को चर्न किया जाएगा काइम में, फूड चर्न होकर काइम में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक में किसका डाइजेशन है, प्रोटीन का। इधर ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है सिंपल, ये तो आती है आपको स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पैरास्टासिस तक पढ़ लिया और स्टमक की एनाटॉमी को एक बार मैंने आपको बता दिया, आगे स्टमक वगैरह को अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।